और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई आरती के समय सभी अतिथियों के हाथ में घंटी रहेगी। जो आरती के समय सभी अतिथि बजाएंगे, आरती के समय सेना के हेलीकॉप्टर अयोध्या में पुष्प वर्षा करेंगे, परिसर में 30 कलाकार अलग अलग भारतीय वाद्यों का वादन करते हुए भी नजर आएंगे। जरा ये देखिए किस तरह डांस कर रहे हैं। तो देखिए हरियाणा के कलाकार थे, किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ सजा दो फूल। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिन भर कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर गड़कर बैठे रहिएगा और वहीं देखिएगा अयोध्या की छटा। फिर से क्वेश्चन दिखाइए क्योंकि दिन निकल आया है, अब सुंदरता दिखाई दे रही है। ताली बजाइए, घर सजाइए, दीप जलाइए क्योंकि मेरे राम आए हैं, रघुनंदन आए हैं। 500 साल इंतजार राम ने कराया है, तब बड़ी देर बाद आए हैं, तो क्यों ना घर सजाएं, क्यों ना दीप जलाएं और क्यों ना हम भोग बनाएं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, अब मैं क्या शब्दों में इसका वर्णन करूं, सब कुछ तस्वीरें बयां कर दे रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा ये हम आपको बता देते हैं। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या की धरती पर। तर्पण, समर्पण, संघर्ष, सब कुछ है प्रधानमंत्री की इस जर्नी में। यहाँ से शुरू किया था, कार सेवक लेकर चले थे और पीछे थे पर्दे के, लेकिन देखिए समय बदला और कैसे वो अब पर्दे के सामने आ गए और जो प्रण लिया उसे पूरा कर रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री का वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर लैंड करेंगे, उसके बाद हेलीपैड जाना है और उसके बाद राम जन्मभूमि की ओर आएंगे। अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है लेकिन जैसी व्यवस्था मैं देख रही हूँ पूरी तरह से राम में, आप देख सकते हैं सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका आना शुरू हो गया है सड़कों पर। वो उत्तर कर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सर्दी का भी प्रकोप है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मी जो सुरक्षा में लगाए गए हैं वो सर्दी से बचने के लिए जो हीटर लगाए गए हैं, जो गैस हीटर लगाए गए हैं रोड के सहारे, उन पर वो सर्दी दूर भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस गैस हीटर का प्रयोग करते हुए उसके आसपास वो खड़े हो गए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इन सब से दूर, इन सबको परे हटाकर श्रद्धा के वशी